गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त या फोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी विक्की की है। विक्की कहता है, मेरी उम्र 28 साल है और ये कहानी मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तां है। हुआ यूं कि मैं पंजाब के रहने आ गया और मुझे यहाँ एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मुझे इस कंपनी में काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, पर मेरी कमज़ोर इंग्लिश के कारण आगे मेरी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब से अपनी अंग्रेजी और पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस लगाऊंगा। मैंने अपने आसपास के एरिया में इसके लिए सही कोचिंग सेंटर खोजना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मुझे अपने ऑफिस और घर के बीच में 3 सेंटर भी मिल गए। मैंने उन सभी से बात की और उन सभी ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया। फिर मैं बारी बारी सभी सेंटर्स में गया, सभी से बात की। उनमें से मुझे एक सेंटर सही लगा क्योंकि वो मुझे मेरी टाइमिंग भी दे रहा था। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि आपको एक टीचर नहीं पढ़ाएंगे, आपको टीचर बदलते रहेंगे क्योंकि आपकी टाइमिंग बहुत लेट है। मैंने भी हाँ कर दिया क्योंकि इस टाइम पर कोई भी सेंटर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे रात के 9 बजे का टाइमिंग चाहिए था। मैंने सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी और आगे दिन पढ़ाई के लिए वहाँ चल गया। अगले दिन मैंने सेंटर जाना शुरू किया और पहले 15 दिन तो मुझे किसी लड़के ने पढ़ाया। फिर एक दिन मैंने अपनी क्लास में बैठा था तो मुझे कोई भी पढ़ाने नहीं आया। मैं रिसेप्शन में जाकर पूछा, आज मुझे कोई पढ़ाने आएगा कि नहीं, तो उसे रिसेप्शनिस्ट मुझसे कहने लगी, जो टीचर आपको पढ़ाते थे वो अब आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए आपके लिए नए टीचर का इंतज़ाम किया है। आपको कुछ देर उनका इंतज़ार करो, वो आती ही होंगी। मैं क्लास में जाकर इंतज़ार करने लगा। तभी क्लासरूम में एक लेडी आई और मुझसे पूछने लगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की यही क्लास है? तो मैंने कहा, हाँ जी पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास यही है। वो मुझसे कहने लगी, आज से मैं आपकी न्यू टीचर हूँ। ये सुनकर मानो मेरे अंदर बिजली चमक उठी, मेरे दिल में लड्डू फूट गए, क्योंकि वो मैडम देखने में बहुत ही खूबसूरत और किसी मॉडल से कम नहीं थी, तो मैं देखते ही रह गया। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लचकदार पतली कमर और खूबसूरत उनका रूप। उन्होंने जीन्स और टॉप पहना था, जीन्स और टॉप में उनका फिगर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैडम ने मुझे अपना नाम बताया और मैंने भी उनको नाम बताया। हमारे बीच कुछ मिनट औपचारिक बातचीत हुई और सुषमा मैडम मुझे पढ़ाने लगी, पर मेरा सारा ध्यान उन पर था। जब वो मुझसे पढ़ा रही थी तो मैं उन्हें देख रहा था और इस तरह ही मेरा सारा ध्यान उन पर था। कुछ ऐसे ही चलता रहा, मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। सुषमा मैडम को भी पता चल गया कि मैं उन्हें ही देख रहा हूँ और घूर रहा हूँ, पर वो मेरी इस बात से गुस्सा नहीं करती, बल्कि नज़रों से पकड़ लेने पर वो मुझे प्यारी सी स्माइल दे रही थी और मैं झेप जाता। ऐसे ही कुछ उस वक्त हो रहा था। अब सुषमा मैडम और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं उनको जोक सुना दिया करता जब वो मुझसे कुछ पूछती, इससे वो कभी गुस्सा भी नहीं करती। सुषमा मैडम का हंस कर मुझे अच्छे से समझा दिया करती। एक तो वो इतनी खूबसूरत और उनका ये नेचर इतना अच्छा था कि बस पूछो मत। फिर भी मेरा मन पढ़ाई की जगह मैडम के तरफ ही लगता। एक दिन सुषमा मैडम पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम हो गया और जब हम लोग जाने लगे तो बाहर जोरों की बारिश हो गई। मैं वही बरामदे में थोड़ी देर रुक कर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। इतने में सुषमा मैडम भी आ गई और मुझे देख कर कहने लगी, बहुत तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश में कैसे घर जाएंगे? मैंने सुषमा मैडम से पूछा, आपको कहाँ जाना है? सुषमा मैडम कहने लगी, मुझे तो इधर पास में ही जाना है।
मैंने उनसे जगह का नाम पूछा तो मैडम ने नाम बता दिया। मैं कहने लगा, अरे मुझे भी इधर जाना है, मैं भी वहीं रहता हूँ। ये सुनकर सुषमा मैडम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुझसे कहने लगी, ये तो ठीक है कि हम दोनों एक ही जगह पर रहते हैं और एक ही जगह जाना है, पर इतनी तेज बारिश में हम घर कैसे जाएंगे? इतनी बारिश में तो हमें कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। वास्तव में दूर दूर तक कोई ऑटो दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी मैंने कहा, मैडम आप परेशान ना हो, मेरे पास गाड़ी है, बस जरा गाड़ी तक पहुँचने लायक जुगाड़ हो जाए। इस बात पर शायद जुगाड़ शब्द पर वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुमने गाड़ी कहाँ लगाई है? मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, आप इधर रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वो मुस्कुराकर बोली, क्यों जुगाड़ दिख गई क्या? वो मैंने हंसते हुए एक तरफ इशारा किया, उधर एक पैकिंग की झिल्ली रखी दिखी। मैंने वो झिल्ली उठाया और खुद को कवर करते हुए गाड़ी लेने चला गया। मैडम मुझे जाते देख खुश हो गई। कुछ ही मिनट बाद मैं गाड़ी लेकर गेट के पास आ गया। सुषमा मैडम मेरा वहीं इंतज़ार कर रही थी। वह जल्दी आई और गाड़ी के अंदर बैठ गई। मैंने उनकी तरफ देखा। सुषमा मैडम थोड़ा शांत होकर बोली, विकी थैंक्स, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं आज घर कैसे जा पाती। मैं मुस्कुराने लगा। सुषमा मैडम कहने लगी, मैं तुम्हारी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, मुझे ये गाड़ी काफ़ी पसंद है। मैडम थोड़ी सी ऊपर से बारिश में भींग गई थी और वो मुझसे बातें करते हुए काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं उन्हें बार बार देख रहा था, उन्हें घूर रहा था, मुझे देखते हुए एक स्माइल दे दी। मैंने कार को गति दे दी। थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच गए। सुषमा मैडम ने मुझे थैंक्स कहा और पूछने लगी, तुम कौन से विंग में रहते हो? मैंने कहा, आपकी विंग से एक और विंग आ गई। वो मुझे फ्लोर पूछने लगी तो मैंने मैडम को अपना फ्लोर बता दिया। उनसे भी फ्लोर पूछा। सुषमा ने कहा, चलो मैं तुमको घर दिखाती हूँ और तुम मेरे साथ चाय पी कर जाना। मैं सुषमा मैडम को मना नहीं कर पाया और उनके साथ उनका घर चला गया। अंदर से तो मैं काफ़ी खुश हो रहा था। सुषमा मैडम आगे आगे जा रही थी, मैं पीछे पीछे, हाय मेरा जैसा दिल निकल के जा रहा था। किसी तरह हम अपने आप को मैंने संभाला कर रखा था। मैडम ने अपने घर काफ़ी अच्छे से सजा कर रखा था। फिर मैडम कहने लगी, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। मैंने ओके किया। जब मैम चेंज करके आई तो मैं उन्हें देखकर बस देखते ही रह गया और सुषमा मैडम किचन में चली गई। कुछ मिनट बाद दो कप चाय लेकर आई। हम दोनों ने साथ चाय पी और बातें की। मैंने मैडम से पूछा, क्या आप अकेले रहती हो? वो कहने लगी, हाँ मैं यहाँ शुरू से अकेले रहती हूँ। मैंने उनसे इस विषय में ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था इस समय माहौल कुछ दूसरा बने। हमने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की। फिर मैं अपने घर आने लगा तो मैडम ने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। मैंने भी मैडम को कहा, अब से आप मेरे साथी सेंटर के साथ आ जाया करें। मैडम ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। अब मैडम और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, बहुत अच्छी। हम कभी कभी रात में साथ घूमने भी निकल जाया करते और बाहर खाना खा लिया करते। मैडम और मैं काफ़ी टाइम समय बिताने लगे क्योंकि वो अकेली थी, मैं भी अकेला था और हमारी अच्छी जमने लगी। एक दिन ऑफिस से सीधे क्लास आ गया और क्लास में मैडम का इंतज़ार करना था। काफ़ी देर तक जब सुषमा मैडम नहीं आई तो मैंने बाहर जाकर उनके बारे में पूछा। मुझे बताया गया कि उस दिन वो किसी अर्जेंट काम से छुट्टी पर गई है। उनका थोड़ा देर पहले ही फ़ोन आया था कि वो दो दिन छुट्टी लेकर जा रही है। मैंने सुषमा मैडम को फ़ोन किया पर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं उनको फ़ोन करता रहा पर मैडम फ़ोन नहीं उठाई। मैं घर आ गया और अगले दो दिन मैडम ने मेरा कोई भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर जिस दिन सुषमा मैडम का वापस आना था उस दिन मैं सीधे सेंटर गया। मैंने देखा कि मैम मेरे पहले से ही वेट कर रही थी। मैं सुषमा मैडम को हेलो कहा तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मैंने फिर जाकर मैडम को जोर से विश किया तो कहने लगी, अरे तुम कब आए? मैंने कहा, काफ़ी देर हो गया, पर आप तो पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। वो हूँ करके चुप हो गई। मैंने कहा, आप परेशान लग रहे हो। सुषमा मैडम रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ बीमार है और उनको पैसों की ज़रूरत है। मैंने मैडम से कहा, आप रोइए मत, मुझे पूरी बात बताइए, हुआ क्या? मैडम कहने लगी, माँ काफ़ी बीमार है और उनको ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैंने पूछा, आपको कितने पैसे चाहिए? सुषमा मैडम ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे कम कर गए हैं।
मैंने कहा, मैडम जितने भी पैसे कम पड़े हैं वो मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास कुछ सेविंग है, बस आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। उन्होंने अपनी आवश्यकता तुरंत बता दी। सुषमा मैडम अगले दिन पैसे दे दिए। जब सुषमा मैडम को पैसे दिए तब सुषमा मैडम जोर से गले लगा दी और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं। मैडम ने पैसे लिए और अपने घर चली गई। जब वो अपने घर से वापस आई तो रात को सुषमा मैडम ने मुझे वीडियो कॉलिंग किया। मैंने सुषमा मैडम को वीडियो कॉल उठाया तो देखा वो काफ़ी खुश थी। वो मुझे बार बार थैंक्स बोल रही थी कि अगर तुम ना होते तो मैं कैसे ये संभाल पाती। मैं मैडम से कहा कि इंसान ही तो इंसान की मदद करते हैं। वो कहने लगी कि कभी तो तुम्हारी भी कोई हेल्प चाहिए तो बेझिझक कह देना। मैंने कहा ओके मैडम। फिर मैंने मैडम से कहा चलो अब कल मिलते हैं। उन्होंने फ़ोन काट दिया। दोस्तों मैं मैडम के बारे में सोचने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी और मैं उसके बारे में सोचकर फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। अब आगे बताऊंगा फिर दूसरी वीडियो में कि आगे क्या हुआ, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही काफ़ी लंबी हो गई है। तो इस वीडियो से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन।